वी हैव डिराइव्ड आईएस कर्व फ्रॉम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड नाउ वी स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन मेक शिफ्ट इन आईएस कर्व अच्छा ये हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जा रहे हैं इनका एक सीक्वेंस है आपको इनिशियली लगेगा कि पहले डिराइव किया फिर शिफ्ट कर रहे हैं इसकी क्या रीजन है ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम अपना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल कंप्लीट कर सकें, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उसके अंदर मॉनिटरी पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे जो इस कोर्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है अब अगर हमने ये देखना है कि आईएस कर्व कव शिफ्ट कैसे होता है तो उसके लिए हमें वही इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी पड़ेगी जिससे आई कव डिराइव होता है आई कव से मुराद इन्वेस्टमेंट सेविंग कव

यानी कि जो इकोनॉमी से बाहर की इनकम है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती चाहे वो आपके कंट्री के लोग हों लेकिन कंट्री से बाहर प्रोड्यूस कर रहे हो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे इसका मतलब है एग्रीगेट आउटपुट जो है वो उसका जो ऑटोनोमस कंपोनेंट है वो तो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड नहीं है दूसरा कंपोनेंट इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है और आयस कव इंटरेस्ट रेट और इनकम या इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है राइट right साइड पे जिसमें आर आ रहा है ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट आई एस कर्व के अंदर वाई के साथ रिलेट करता है तो जो बाकी पहला पार्ट है जिसके अंदर हर वेरिएबल का ऑटोनोमस वाला पार्ट शामिल है या कोई वेरिएबल एक्सॉजीनस है तो वो इसमें शामिल है जैसे कंजम्पशन का ऑटोनोमस पार्ट सी इन्वेस्टमेंट का पार्ट, या इसी तरीके से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर ब्रैकेट के अंदर हेल्पफुल सारे सारे, नहीं होते ये जब भी चेंज होते हैं आस कर्व शिफ्ट हो जाता है अब शिफ्ट या वो राइट साइड पे होगा या वो लेफ्ट साइड पे होगा अगर राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि टोटल आउटपुट इंक्रीज हो गई गिवन इंटरेस्ट रेट के ऊपर इसका मतलब आई एस कव राइट साइड पे तब शिफ्ट होगा जब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे या उसके अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो एग्रीगेट डिमांड या टोटल आउटपुट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है तो वो डिक्रीज होगा तो इसका मतलब यह है कि आयस कव राइट साइड पे शिफ्ट होगा जबकि आस लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है जिसका मतलब है गिवन इंटरेस्ट रेट के ऊपर टोटल आउटपुट कम हो जाए ये कब होगा ये तब होगा जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए वाले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए नेट एक्सपोर्ट्स का ऑटोनोमस पार्ट कम हो जाए या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर दे या गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे या फाइनेंशियल फ्रिक्शन मार्केट के अंदर बढ़ जाए इन सारी सूरतों के अंदर क्या होगा आई एस का लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा अब जब हमें पता चल गया

और फिर उसकी रीजन लिखी हुई है और याद रखें जब हम कहते हैं आई को किस तरफ शिफ्ट करेगा इसका मतलब यह है कि वो आउटपुट को बढ़ाएगा या आउटपुट को कम करेगा तो पहला वेरिएबल है एक्सपेंडिचर अगर इनको इंक्रीज किया जाए तो राइट साइड right पे शिफ्ट होता है क्यों क्योंकि इससे कंजम्पन बढ़ता है और कंजम्पन टोटल आउटपुट का एक पार्ट है इसी तरीके से अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाए तो भी आई एस राइट साइड पर शिफ्ट होता है क्यों होता है क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट भी एग्रीगेट डिमांड या टोटल आउटपुट का एक पार्ट है तीसरा जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी जाए तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने से भी आई एस कव राइट साइड पर शिफ्ट होता है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी टोटल आउटपुट या एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है टैक्सेस को अगर इंक्रीज किया जाए तो आई एस कव लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है इसलिए शिफ्ट होता है कि टैक्सेस के बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम कम होती है और कंजम्पशन कम हो जाता है जिसका मतलब है फाइनल आउटपुट भी कम हो जाएगी इसी तरीके से अटोनोमस नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं तो जो आपका आई एस है वो फिर से राइट right साइड पे शिफ्ट होगा लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रिक्शन बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि आई एस का लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा क्यों क्योंकि फाइनेंशियल फ्रिक्शन का मतलब यह है कि लोन जो दिया जाता है बिजनेसेस को उसमें हर्डल क्रिएट हो गई है इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से बैंक या सेवर्स जो हैं वो बारोअर्स को लोन दे नहीं पा रहे जब लोन नहीं दे पा रहे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट आउटपुट और जो टोटल डिमांड है वो कम हो जाएगी थैंक यू